हाय गाइस, ये चंदू है। हम पहुंच गए हैं, ये है मैरियट एम्बेसी स्वीट्स। और अब आपको दिखाते हैं हम हैं कहाँ। वो आप पीछे देख रहे होंगे हल्का हल्का, बाकी आपको साथ जाके दिखाते हैं। सो चंदू, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत हमेशा हवा है। सिर्फ फोटोज में या फिर ऐसे मूवीज में ही देखा है, आज फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग। लेकिन हमने अभी भी नहीं देखा है, तो हम आपके साथ ही देखेंगे अभी। और वैसे तो यहाँ पे एक्टिविटीज अभी इस टाइम पे बंद हुई हुई है, लेकिन अभी दिखाते हैं। वो आप सामने देख रहे होंगे रेनबो, और आपका आइडिया अभी तक लग ही गया होगा। वैसे तो आपने स्टार्टिंग में वीडियो उसमें देख ही लिया होगा, ये है ना, ये हमारे होटल का अभी चेक इन टाइम नहीं हुआ है। उससे पहले हमने सोचा यहीं पे थोड़ा सा घूम ले। हमारा होटल है ये एम्बेसी स्वीट्स, और ये हमने स्ट्रेटेजिकली लिया है क्योंकि यहाँ के लाइट शोज जो रात में रहेंगे वो बहुत अमेजिंग रहते हैं, और हमने उसी हिसाब से ऐसा ही एक रूम लिया है। वाह, हेवनली। सो त्रिशी, कैसा लग रहा है? ये रहा आपका यूएस वाला नायग्रा फॉल्स, और वो मेन ब्रिज है, वो इधर आता कनाडा, इधर आ गया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा त्रिशिका को वॉक कराया, क्योंकि सुबह से स्ट्रोलर में बैठी थी तो बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके उसे अच्छा लग रहा था। और इस जगह का नाम है टेबल टॉप, और ये जो सामने पेंटेंस देख रहे हैं वो है टेबल टॉप का शॉपिंग सेंटर एंड फूड कोर्ट। सी द ड्रिपलेट्स, वहाँ लोग हैं, जाते हैं इसके पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए, बोट्स में ले जाते हैं। मे बी एक ऐसा ग्रीन सॉरी ब्लू और रेड कलर का इनका कॉम्बिनेशन रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये लोगों को ये इसके इसके पास तक ले जाते हैं, एंड तक। वो आपका यूएस का है और ये आपका कनाडा का। तो अभी आए हम अंदर, ये एक वेलकम सेंटर है। देखते हैं अंदर क्या क्या है। देखते हैं अंदर, लाइटिंग थोड़ा फैंसी। कैसा लग रहा है? सो है पिज्जा, स्वर्ल ब्रू स्लाइस, पिज्जा विंग्स। चंदू यही है शायद खाने का। और ये हम लोग खाना घर से ही लाए थे, पराठे, आलू की सब्जी, आम का अचार, सॉस, ट्रिशी क्या के अपने मफिन्स। हमने यहाँ पे एक कॉफ़ी ली और अभी हमारा लंच चल रहा है। अब हमारा हो गया था खाना ओवर, तो हमने सोचा थोड़ा अंदर से शॉपिंग सेंटर को देखा जाए क्या क्या है। सो यही है थोड़ा यहाँ का नज़ारा, जैसे कि आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड कैफे डेली। खाना खाने के बाद हम लोग जर्नी बिहाइंड दी फॉल्स देखने चले गए थे। सो जर्नी बिहाइंड दी फॉल में क्या होता है, आपको ये वन फ्लोर नीचे ले जाएंगे, वहाँ पे फिर ऐसे टनल टाइप का रहेगा जहाँ से हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ से जब आप थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे सो एक ऑब्जर्वेशन डेक रहता है एंड दो पोर्टल्स हैं। सो अभी हम जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट है ऑब्जर्वेशन डेक। सो यहाँ पे एक बालकनी टाइप का रहेगा, वहाँ से फॉल का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। चलिए आपको दिखाते हैं अपने साथ। यहाँ पे ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं था, बट सी क्या अमेजिंग व्यू है यहाँ से, इतने नज़दीक से वॉटरफॉल देखकर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। सो इसके बाद अब हम चले गए थे देखने के लिए
पोर्टल्स। सो यहाँ से वापस के लिए निकल के आगे से लेफ्ट लेके था टनल्स के थ्रू ही पोर्टल्स का रास्ता। यहाँ पे त्रिशिका को भी खुद से वॉक करने का मन कर रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ के व्यूज देख के। सो सबसे पहला पोर्टल का नाम था कैटरैक्ट पोर्टल। इस वाले पोर्टल में ज्यादा आगे जाना अलाउड नहीं था। सो अब हम चल दिए थे लास्ट वाला पार्ट देखने के लिए, जिसका नाम था ग्रेट फॉल पोर्टल। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टनल। सो यहाँ पे एकदम से ऐसा है लाइक ऊपर से फॉल आ रहा है एंड हम फॉल को एकदम सामने देख सकते हैं। सो अभी आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। सी अभी हम जो हैं वो फॉल के नीचे हैं। सो सब कुछ देखने के बाद अब हम आ गए थे वापस। सो अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट से वापस ऊपर। अभी चल रहे हैं बाहर होटल की तरफ। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट कितना 3:30 4 बजे 4 बजे का अपना चेक इन है। सो चलो चलते हैं अपने होटल। ये आ गए ऊपर। ठीक है कहाँ है? अब हो गया था टाइम 3:45, तो हम लोग जा रहे थे अपने होटल की साइड बिकॉज हमारा होटल का चेक इन का टाइम था 4:00 का। सो ये था टाउन टेबल टॉप के जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, इसके ही सेकेंड फ्लोर से एक कनेक्शन पाथ था। इसके जो ऑपोजिट साइड है वहाँ से एक केबल का टाइप का एक वैसा सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कि आप जो सारे होटल्स ऊपर लाइन से हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप भी को पता चल ही रहा होगा बहुत तेज़ हवा चल रही थी इस टाइम पे। सो टेबल रॉक से हमारे होटल तक का रास्ता था 1.5 किलोमीटर्स का, जहाँ से अगर हम बस से जाते तो हमें लग जाते 10 मिनट्स, बट हम जो ये डायरेक्ट वाला ये केबल कार से हम जाने का सोच रहे थे, सो यहाँ से विद इन मिनट्स आप पहुँच जाते, लाइक 1 or 2 मिनट्स आई गेस। या तो हमने सोचा यहाँ आए तो ये भी ट्राई करते हैं। वो है हमारा होटल। मसूरी में वो है क्या रोपवे? तो यहाँ से हम मेरा और अक्षत का हम दोनों का 1 वे का चार्ज पड़ा था हमें $7, त्रिशिका का फ्री था। अब चलते हैं इसमें बैठ के अपने होटल की साइड और आपको दिखाते हैं ये सुंदर नज़ारा। सो गाइस अब हम पहुँच गए हैं ऊपर और यहाँ से तो व्यू बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पे हमारा होटल और ये यहाँ से देखिए अभी आप नीचे का व्यू बहुत सुंदर है। हमें यहाँ पे ड्रॉप करके देखिए इंक्लाइन रेलवे भी नीचे जाते हैं हमें। सो अब चलते हैं यहाँ से अपने होटल की साइड एंड ये रहा ब्रिज का रास्ता जहाँ से जाना है हमें होटल। यहाँ पे इस ब्रिज का नाम है नाइग्रा फॉल लॉक ब्रिज और इस ब्रिज के नीचे से जो जा रही है वो है यहाँ की मेन रोड। सो अगर हम बस से आते तो हम इसी वाली रोड पे आके उतरते। सो अभी ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोगों का टास्क था अपने होटल की एंट्री ढूंढना, बिकॉज ये होटल का बैक साइड है। अब हमें उसकी एंट्री फ्रंट साइड में जाना था, तो हम यहीं से अभी आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं फ्रंट साइड। यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो स्ट्रोलर के ऊपर का कवर है वो भी एक अलग साइड में ही जा रहा था उड़ उड़ के। बाकी हवा का अंदाज़ा तो आप मेरे एक्सप्रेशन से लगा ही सकते हैं, मुझसे स्ट्रोलर पुश भी नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा हवा चल रही थी। सो
फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होटल के फ्रंट साइड में, बट स्टिल एंट्रेंस थोड़ी दूर थी। तो ये द केक करके जो रेस्टोरेंट बार है ये उसके वेले पार्किंग वाले थे, तो उन्होंने हमें आके बताया कि वहाँ से एंट्री होनी है। बट देन मेरी हालत देख के एंड बेबी है साथ में, ये देख के उन्होंने हमको रेस्टोरेंट के अंदर से ही जो शॉर्टकट वाला पाथ था वहाँ से बोला जाने के लिए कि हम डायरेक्ट यहीं से जा सकते हैं। सो अब आपको ले चलते हैं होटल के अंदर, वो भी बैक डोर से। तो जैसे कि हम जिस वीकेंड पे गए थे वो लॉन्ग वीकेंड था, क्योंकि हम लोग गए थे फैमिली डे वाले दिन वहाँ पे, सो बहुत ही क्राउडेड था। सो अभी हम चलते हैं अंदर की साइड, एंड इसका जो एक्चुअल एंट्रेंस है वो ये आगे से राइट साइड में था। सो लेफ्ट साइड ये पूरा फ्रंट डेस्क है। सो अभी जाएगा अक्षत यहाँ पे बात करने, अपने रूम वगैरह का पता करने। ये राइट साइड है एक्चुअल एंट्रेंस यहाँ होटल का। Yeah, I have a reservation. What's your last name? Sharma, SHARMA. First name, sir? Akshat, AKSHAT. So, अब करा रहे अक्षत हमारा चेक इन। ये वीडियो जैसे कि हो गया है बहुत लंबा, सो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको कहानी अपने रूम अपग्रेड की और यहाँ के कुछ फेमस अट्रैक्शंस। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।